हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली जीके ट्यूटर। दोस्तों, आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं एनटीपीसी मॉक टेस्ट, जो कि 100 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट है। बहुत ही शानदार मॉक टेस्ट होने वाला है, तो सारे लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान तक देखना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट खास बात क्या है इसकी कि इसमें मैंने 100 क्वेश्चंस लिए हैं। यानी अगर आप 3 पेपर सेट लगा देते हैं, तब आपको जाकर जीके के और जीएस के 100 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मैंने एक साथ आपकी जीके और जीएस की प्रिपरेशन के लिए ये मॉक टेस्ट स्टार्ट किया है, और इस मॉक टेस्ट को पूरा लास्ट तक देखना। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके कितने नंबर सही रहे, और आप डेली मेरे साथ इस मॉक टेस्ट में जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, महावीर का जन्म कब हुआ था? भगवान महावीर का 5 सेकंड का आपके लिए समय दिया गया है। बिल्कुल ये सही है, 540। भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? 5 सेकंड आपके सामने है, राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, राहुल इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सबसे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूं कि अनअकैडमी आपके लिए एक फाउंडेशन बैच लेकर आ रहा है, जो कि एसएससी सीजीएल 2021-22 एग्जाम्स के लिए है। 21 दिसंबर को स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। इसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा ये बेच कोर्स कंडक्ट करवाया जाएगा। अभी एनरोल कर लीजिए, बहुत ही शानदार बेच कोर्स है। ये बेच कोर्स आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करने में हेल्प करेगा। आप अनअकैडमी का ओनली जीके कोड यूज करके आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं, आप इसको एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। 400 ज्यादा घंटे का ये बेच कोर्स है, और अनअकैडमी की प्राइस जो है वो हाइक होने वाली है। तो अभी 31 दिसंबर से पहले आप इस सब्सक्रिप्शन को परचेज कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? देखिए, मैंने 5 सेकंड क्वेश्चंस को पढ़ने और 5 सेकंड आंसर देने के लिए रखी है। बिल्कुल सही है, तो इस राइट आंसर है 18, पुराण है 18। सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल सही है, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है सिकंदराबाद, दक्षिण मध्य रेलवे। अगला प्रश्न आता है, इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? ये मॉक टेस्ट से लिए गए क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। बिल्कुल सही है, बिक्री कर क्या है? एक तरह का प्रत्यक्ष कर नहीं है। पुलिकेसिन फर्स्ट, जो कि वातापी का पहला स्वतंत्र राज्य था, इनमें से किस नाम से जाना जाता है? 5 सेकंड आपके सामने है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चालुक्य। अगला क्वेश्चन है, मालवा गुजरात और महाराष्ट्र को जीतने वाला पहला राजा कौन था? बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, जैन श्रद्धा के अनुसार 23वें जैन तीर्थकर कौन थे? बिल्कुल सही है, 5 सेकंड में, पार्श्वनाथ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और पूरा मॉक टेस्ट लास्ट तक लगाना। और आपको पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना। राज तरंगिणी कलहण ने किस प्रदेश में इतिहास का वर्णन किया है? किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन किया है? बिल्कुल सही है, कश्मीर का इतिहास। अगला प्रश्न है, वाहमान शासक पृथ्वीराज थर्ड ने जिसने अफगान शासक सुल्तान को कब हराया था? बिल्कुल सही है, 5 सेकंड आपके लिए, 1191 AD, 1191 AD। भारत के मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? वेरी गुड, इसकी स्थापना हुई थी 1526 AD में। अगला क्वेश्चन है, आगरा स्थित ताजमहल कौन से प्रख्यात मुगल शासक ने बनवाया था? आगरा का ताजमहल, बिल्कुल सही है, शाहजहां, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। दक्षिण में मंदिरों का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर है गोपुरम को दक्षिण में मंदिरों का प्रवेश द्वार कहते हैं। गुलाम वंश का शासन पीरियड क्या था? गुलाम वंश का समय काल क्या था? बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 1206 से 1290 AD। दोस्तों, मैंने इस मॉक टेस्ट को थोड़ा सा स्पीड में रखा है, ताकि आपको मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करवा पाऊं, ताकि आप वीडियो देखें तो आपको पूरा बेनिफिट मिले। अगला क्वेश्चन, बॉम्बे और थाने के बीच पहली रेलवे लाइन कब शुरू की गई थी? बिल्कुल सही है, तो ये शुरू की गई थी 1853 में, 1853 में। अगला क्वेश्चन है, क्विट इंडिया आंदोलन कब शुरू किया गया था? सभी लोग कमेंट करके अपना आंसर बताएंगे।
बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी 1942। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन करने का प्रस्ताव किसने दाखिल किया था? बिल्कुल सही है, वो है ए ओ ह्यूम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसके विचारों ने गांधी जी के विचारों पर प्रभाव डाला था? सभी लोग अपना आंसर बताएंगे। बिल्कुल सही है, टॉलस्टॉय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1947 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का मुखिया कौन था? प्रमुख किसको माना जाता है? बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर है जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत की संविधान सभा का प्रमुख घोषित किया गया था? बिल्कुल, बहुत अच्छा है, तो प्रमुख थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, बंगाल का कायमी समाधान 1793 में दाखिल किया गया, उस समय भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? 5 सेकंड में सभी लोग आंसर बताएंगे। बिल्कुल सही है, लॉर्ड कार्नवालिस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमारे संविधान में मूलभूत अधिकार की संकल्पना कहां से ली गई है? वेरी गुड, बहुत अच्छा, 5 सेकंड। यूएसए, अमेरिका से ली गई है। अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्था का सर्वाधिक आय का स्रोत क्या है? वेरी गुड, 5 सेकंड में सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सरकारी अनुदान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना और लास्ट में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। अगला क्वेश्चन, महानगर पालिका अपना धन कैसे प्राप्त करती है? वेरी गुड, ये कर करती है करों से, टैक्स से। अगला क्वेश्चन है, देखो बड़ा क्वेश्चन है कि लोकसभा के द्वारा जो बिल पास किया गया है वो राष्ट्रपति अनुमति के लिए भेजा जाता है, ठीक है? राष्ट्रपति उस पर विचार विमर्श करके लोकसभा को वापस भेजता है। लोकसभा के विधेयक पास करे और राज्य अनुमति के लिए, तब राष्ट्रपति उस विधेयक को क्या कर सकता है? पास कर दे और राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजे, तब राष्ट्रपति उस क्या कर सकता है? बिल्कुल सही है, राइट आंसर क्या होगा? ए, उसको मंजूरी दे दे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समाजवाद धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 में कौन से अधिवेशन में दाखिल किए गए? बिल्कुल सही है, 5 सेकंड यहाँ पूरे होते हैं, 42वें संशोधन में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आता है, भारत में देखिए, अगला क्वेश्चन है, कोलकाता जो उच्च न्यायालय है वो स्थापना कब किया गया था? कोलकाता हाईकोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 5 सेकंड सभी लोग कमेंट करके अपना आंसर बताएंगे। बिल्कुल सही है, 1862 ईस्वी में की गई थी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस संसद ने किसी भी सदन में बोलने का, कार्रवाई करने में भाग लेने का अधिकार है? किसको? और कोई भी संसदीय सदस्य का सदस्य बनता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। बिल्कुल, अटॉर्नी जनरल को, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। बिल्कुल, जवाहरलाल नेहरू। देखिए मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन बीच में टफ लिए हैं, कुछ इजी लिए हैं, क्योंकि एग्जाम में इजी और टफ सभी तरह का आता है, बस आपको गलती नहीं करनी और आपको हकीकत बताना है कि मेरे आंसर सर इतने सही हुए हैं। अगला क्वेश्चन, धूमकेतु किसके आसपास घूमता है? सभी लोग अपना कमेंट बॉक्स में आंसर पुट करेंगे। बिल्कुल, सूर्य के, ऑप्शन ए। ऊंची समुद्र ज्वर हर अवधि के बाद होती है, कितने अवधि के बाद? कमेंट बॉक्स में सभी लोग अपना आंसर पुट करेंगे। बहुत बढ़िया, 12 घंटे 26 मिनट। अगला क्वेश्चन है, कौन से ग्रह को द इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शुक्र ग्रह को द इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा से किस दिशा में भ्रमण करता है? वेरी गुड, वो है पश्चिम से पूरब। अगला क्वेश्चन है, कौन से ग्रह सूर्य की भ्रमण कक्ष में पूर्व से पश्चिम की ओर उल्टी दिशा में भ्रमण करता है? वेरी गुड, वो है शुक्र दिशा में। अगला क्वेश्चन है, नहावा सवा भारत का एक अग्रिम बंदरगाह कहां पर स्थित है? सही लोग अपने कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर बताएंगे, कोई भी गलती नहीं करेगा। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी, और याद करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी मीटर गेज पर चलने वाली सुपर फास्ट ट्रेन है? वेरी गुड, बहुत अच्छा है, पिंक सिटी एक्सप्रेस, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का
पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी गुड, इसका सही आंसर है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना मिराज 2000 वायुयान कहाँ से लाया गया है? कहाँ से लाया गया था? बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए, 5 सेकंड आपके लिए पूरे होते हैं, फ्रांस। अगला प्रश्न है, वायुसेना में कितने कमांड हैं? आप सभी को कमेंट करके बताना है कितने कमांड हैं। 7 कमांड है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला स्पेशल उपनगरीय ट्रेन भारतीय रेलवे से कौन से क्षेत्रीय विभाग द्वारा चलाई गई है? पहली महिला स्पेशल, बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर बनता है आपका सी, पश्चिमी रेलवे से। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्र ध्वज में चक्र में कितने आरे होते हैं, लाइनें होती हैं? बिल्कुल सही है, सही आंसर है 24। अगला प्रश्न है, मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते किससे संबंधित है? आप सभी लोग कमेंट करके इसका राइट आंसर बताएंगे। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न है, ईस्ट कोस्ट रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भुवनेश्वर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राजधानी एक्सप्रेस पहली बार किस वर्ष दौड़ाई गई थी? बहुत अच्छा है, राइट आंसर है 1969। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको इसी तरह के रेलवे के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इस तरह के सेशंस को आप बिल्कुल मिस मत करना। अगला प्रश्न है, IRFC का पूरा नाम क्या है? वेरी गुड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। थोड़ा स्पेलिंग में एरर है यहां पर, फाइनेंस नहीं है, फाइनेंस है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सभी लोग 5 सेकंड में इसका राइट आंसर बताएंगे, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम कवित्र जो कृत्रिम उपग्रह है आर्यभट्ट, वो किस वर्ष छोड़ा गया था? बिल्कुल सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे, 1975 में, 1975। अगला क्वेश्चन, केवला देव घना बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, किशन महाराज किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, सितारा देवी किस नृत्य की प्रतिनिधित्व करती थी? सभी लोग अपना कमेंट करेंगे, कथक, बिल्कुल सही है। 5 सेकंड में आपको सिर्फ आंसर बताना है और लास्ट में बताना है टोटल कितने क्वेश्चन सही रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक करते हुए चलना। अगला प्रश्न, बुकर पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? बहुत अच्छा है, तो वो था अरुंधति रॉय, बुकर पुरस्कार। अगला प्रश्न, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा सुष्मिता सेन। अगला प्रश्न है, 58वां, अगला प्रश्न ये पुराना क्वेश्चन हो चुका है, देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सभी लोग 5 सेकंड में अपना आंसर कमेंटों में बताएंगे, बिल्कुल सही है, श्रीमती सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला प्रथम आदमी कौन था? अंतरिक्ष की बात की जा रही है, बिल्कुल सही है, यूरी गागरिन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ओलंपिक मेडल जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? बिल्कुल सही है, पहला भारतीय केडी जाधव इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, काव्य संग्रह मधुशाला किसने लिखी है? बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होगा, हरिवंश राय, हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन, विश्व के कौन से महाद्वीप पर सर्वाधिक जनसंख्या है? विश्व के कौन से महाद्वीप पर सर्वाधिक जनसंख्या है? सभी लोग अपना 5 सेकंड में कमेंट बताएंगे, बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छी ट्राई कर रहे हैं आप सभी लोग, एशिया। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? वेरी गुड दोस्तों, तो ये राजधानी है शिमला, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? इंडोनेशिया की राजधानी आप सभी को बतानी है क्या होगा, 5 सेकंड, जकार्ता।
ऑप्शन जकार्ता। अगला प्रश्न, मॉरिशियस की मुद्रा कौन सी है? 65वें नंबर का क्वेश्चन है, 65 नंबर का। बहुत कम समय में मैंने आपको पेपर करवाया, तो वीडियो को शेयर करना मत भूला, रुपया। अगला क्वेश्चन, पोल्ट्री फार्म यंत्र हैचिंग कराया जाता है किस मीटर के द्वारा? वो आपको मीटर बताना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सभी लोग कर रहे हैं। इक्वेटर, इनक्वेटर। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन से राज्य से चेनाब नदी गुजरती है? क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया। चेनाब नदी कौन सा? 5 सेकंड पूरे होते हैं। जम्मू एंड कश्मीर। अगला प्रश्न है, 25 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 25 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मतदान दिवस। और इस दिन एक दिवस और होता है, पर्यटन दिवस। कौन सा दिवस होता है? पर्यटन दिवस। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन क्या होगा? 21 जून को सूर्य मस्तिष्क से ऊपर ऊर्ध्वतन कहाँ होता है? 21 जून को सूर्य मस्तिष्क के ऊपर ऊर्ध्वतन कहाँ होता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। 5 सेकंड यहाँ पे पूरे होते हैं आपके। कर्क रेखा है ना, कर्क वृत्त पर होता है, ऑप्शन डी। बेंगुएला प्रवाह है किस तरह का प्रवाह है? समुद्री, गर्म है, उष्ण है, शीत है, किस तरह का? वेरी गुड, आपके 5 सेकंड यहां पर पूरे होते हैं। शीत समुद्री प्रवाह है, बेंगुएला प्रवाह है। देखिए किस तरह के टिपिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये भी आप ऐसा तैयारी कर पाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा उष्ण प्रवाह है? सभी लोग इसका कमेंट करके बताएंगे, उष्ण प्रवाह है कौन सा है? वेरी गुड, 5 सेकंड यहां पूरे हो गए। क्यूरोशियो प्रवाह, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, धरती का जत्था जो समुद्र के द्वारा उनके तीन बाजू घेरा हुआ है, सभी लोग अपना कमेंट बताएंगे क्या होगा? पेनिनसुला, ऑप्शन बी। देखो 5 सेकंड मैंने इसलिए कम रखे हैं क्योंकि आप आंसर को आप आराम से पढ़ चुके होते हैं, तो बस आपको क्लिक करना होता है अपने दिमाग में कि मेरा इतना क्वेश्चन सही हो रहा है, जो गलत हो रहे हैं वो आप मेरे साथ सीखते चलते हैं। कम टाइम में ज्यादा चीजें आपको मिलती है। मेरा टारगेट है मैं आपको डेली के 5 मॉक टेस्ट दूं, यानी 500 क्वेश्चन पर डे। 500 क्वेश्चन का मतलब है 10 दिन में 5,000, ताकि पूरा पेपर ही पूरा हो जाए। अगला प्रश्न, भारत में सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वतमाला, बिल्कुल 5 सेकंड यहां पूरे होते हैं आपके। अरावली पर्वत श्रृंखला, राजस्थान। अगला प्रश्न, शंकुधारी जंगल किस प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं? सभी लोग अपना आंसर बताएंगे क्या होगा? वेरी गुड, मेडिटेरियन, मेडिटेरियन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बर्फीला महाद्वीप है? इनमें से कौन सा बर्फीला महाद्वीप है? बिल्कुल सही है, अंटार्कटिका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके लिए है, विश्व का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? विश्व का दूसरा सर्वोच्च शिखर। वेरी गुड, 5 सेकंड यहां आपके पूरे होंगे। गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? आप सभी को कमेंट करके जल्दी से बताने हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, और आपको हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना है। एडीज पर्वतमाला, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पनामा नहर से सर्वाधिक लाभ है? पनामा नहर से सर्वाधिक लाभ है, बिल्कुल सही है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न आपके लिए है, जमींदारी उन्मूलन के लिए संसद में पहला संशोधन कब किया गया? जल्दी से सभी लोगों को, आपके सामने 5 सेकंड का समय दिया गया है। बिल्कुल सही है, 1951। अगला प्रश्न, द प्राइम मेडिटेरियन कहां से गुजरती है? 5 सेकंड आपके लिए हैं। बहुत ही बढ़िया, ग्रेट ब्रिटेन। अगला प्रश्न, भारत के पूर्वतम भाग में कौन सा राज्य है? पूर्वोत्तर भाग में। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। होजरी उद्योग पंजाब में कौन सा स्थान प्रमुख है? होजरी के लिए कपड़ा, बिल्कुल सही है, लुधियाना, लुधियाना से कपड़े आते हैं, है ना, गरम कपड़े।
बिल्कुल क्वेश्चन सही है। कौन सी रेस की फसलें हैं, है ना, रेस से की फसलें बतानी है आपको, जो फाइबर होता है ना, रेस से, है ना, थोड़ा यहां पर हिंदी थोड़ी शुद्ध नहीं है, रे और से आता है ना, तो रेस से होता है, बिल्कुल सही है। कमेंट करके बताएंगे आपको। शन और सूती। अगला प्रश्न है, कुन्नूर जो नीलगिरी की पर्वत है वो कहाँ स्थित है, किस राज्य में। सभी लोग अपना कमेंट करके आंसर बताएंगे, बिल्कुल सही है, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है। वेरी गुड, सभी लोग अपना कमेंट करके बता देना। सिलवासा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इनमें से सभी बिना रीड वाले हैं सिवाय किसको छोड़कर। सभी लोग अपना कमेंट करके बताएंगे, बिल्कुल सही है, फिश, मछली क्या होती है, रीड वाली होती है। अगला क्वेश्चन है, एक स्थिर पदार्थ की गति हमेशा होती है कैसी। देखो, कोई चीज स्थिर होती है तो क्या मानी जाती है, वो शून्य, रुकी हुई, सी। अगला प्रश्न, आंतरिक बल होता है कैसा, आंतरिक बल होता है, बिल्कुल हमेशा संतुलित, हमेशा संतुलित। अगला प्रश्न, एक फोटोसेल प्रकाश ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है। वेरी गुड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, एक जब नमक को बर्फ के साथ सही तरीके से मिलाया जाए तब बर्फ का गलनांक क्या होता है, बर्फ का गलनांक क्या होता है। बिल्कुल सही है, 5 सेकंड हो गए थे आपके, कम हो जाता है, उसका गलनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ईएनटी चिकित्सक जो होता है, डॉक्टर नाक कान गले वाला, वो विशेष रूप से किस अवतल का यूज करता है, अवतल उत्तल इनमें से किस दर्पण का यूज करता है। बिल्कुल सही है, अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का। वैसे ये मेरे बोलने के साथ ही आपको इसका आंसर पता लग गया था, है ना, क्योंकि मेरी हैबिट है तो जल्दी से मेरे दिमाग में आंसर आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, थर्मामीटर में कौन सी धातु का प्रयोग होता है। सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे, 5 सेकंड, बिल्कुल सही है, Hg, मरकरी। अगला प्रश्न है, काटने और छेद करने के लिए प्रयोग में किया जाने वाला एलोट्रोपिक कौन सा है, बताइए। सभी लोग कमेंट करके साइंस के जबरदस्त क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। देखो, कांच काटने के लिए हीरे का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा अम्ल विनेमर में होता है। सभी लोग वीडियो को अभी लाइक करना मत भूलना, और वीडियो को कम से कम 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, बिल्कुल सही है। तो वो है एसिटिक एसिड, विनेगर, ठीक है, इसमें 95% एसिटिक एसिड होता है, केवल 5% वाटर होता है। अगला प्रश्न, दूध को पाश्चुराइज करने का उद्देश्य क्या है, पाश्चुरीकरण किया जाता है दूध का क्यों, ताकि दूध को उसके अंदर जो जीवाणु है उनको नष्ट किया जा सके और लंबे समय तक, आप डेयरी के प्रोडक्ट देखते होंगे बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं, इसी तरह। तो ये मेरा आज का मॉक टेस्ट था, कमेंट करके बताना कि आपको ये मॉक टेस्ट कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। इस तरह के मॉक टेस्ट जो आप चाहते हैं, अगर 100 क्वेश्चन वाले मैं आपके लिए लाता रहूं, तो 25 मिनट के अंदर ये बहुत ही शानदार मॉक टेस्ट आपके लिए रेडी हो गया है। तो सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और मैं आपको बता दूं, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, और ओनली जीके ट्यूटर के नाम से उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहां मैं आपको ये सारी PDFs अवेलेबल करवाता रहूंगा, क्योंकि आपकी एग्जाम की तैयारी को देखते हुए मैंने ये सब किया है। तो सभी लोग जाएंगे और अभी इस सेशन को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।